अभी टर्की से निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट सूरत की फ्लाइट पकड़ने के लिए। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट और पूरा खाली पड़ा है अभी तो यहीं पे रात गुजारेंगे। या ट्राई करूँगी थोड़ा सो पाऊँ, बट लेट्स सी। और बाय द वे, ये सबिहा गोचिन उलूसरा से हवाली मानी, और ये सबिहा गोचिन वाला एयरपोर्ट है, ये इस्तांबुल वाला नया एयरपोर्ट नहीं है। अभी तो मेरे को बहुत टाइम है और ये पूरा खाली पड़ा है, तो मैं यहाँ पे मैकडी पे आके थोड़ी देर खा रही हूँ, फिर जाके कहीं बैठ के सो जाऊंगी थोड़ी देर। दिस इज द बिग मैक गाइस। अभी तक काउंटर नहीं खुला है, आई गेस एक घंटे में खुलेगा, तभी मैं जाके अपना बैग रख सकती हूँ और फिर आगे बढ़ सकती हूँ। तो अनदर 1.5 आवर टू किल आई गेस। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि साबिहा गोचिन मतलब SAW वाले एयरपोर्ट पे कि एटलीस्ट ये लोग फ्री वाईफाई अनलिमिटेड, मतलब एटलीस्ट आई थिंक एक दिन का तो दे देंगे, क्योंकि अभी मैं 3-4 घंटे से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस्तांबुल वाले जो नया एयरपोर्ट है उधर तो 1 घंटे का ही होता है, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने अपने मोबाइल से लिया था और 1 घंटे के बाद बंद हो गया था। तो एटलीस्ट दिस इज़ गुड अबाउट दिस एयरपोर्ट कि अगर आप जल्दी भी आते हो तो आपके पास एटलीस्ट वाईफाई एक्सेस है फ्री का। फाइनली चेक इन खुल गया है मेरा, HSK काउंटर पे है, तो मैं वहीं जा रही हूँ अब ताकि बैग रख के आगे अंदर जा सकूँ। बहुत ओके, बैग इधर रखा है। अभी मेरे को हार्ट अटैक आ गया था, ऐसे चेक कर रहे थे वो, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले पासपोर्ट कंट्रोल क्रॉस कर लूँ मैं। ये है हमारा लाइन, अंदर आ गई हूँ। पासपोर्ट कंट्रोल और सिक्योरिटी चेक दोनों क्रॉस कर लिया है। पासपोर्ट कंट्रोल पे तो कुछ भी नहीं पूछा, सिक्योरिटी चेक भी स्मूथ था। मेन चीज़ तो वहाँ पे बोर्डिंग पास पे थी कि वो मेरा वैक्सीन चेक कर रहे थे कि कोविशील्ड अप्रूव्ड है कि नहीं है। थैंकफुली मैंने इस वेबसाइट पे ऑलरेडी चेक कर लिया था तो मुझे पता था कि वो अप्रूव्ड है, और वही 2 सेकंड के लिए तो मेरी फट गई थी कि ओ माय गॉड अभी मुझे वापस भेज देंगे क्या, वापस कहीं भेजेंगे, आज तो मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है टर्की का, तो मुझे फिर इंडिया का टिकट कराना पड़ता जो बहुत महंगा होता। तो बट हाँ, वो क्लियर हो गया है। तो हाँ, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पे चेक करिए कि आपकी वैक्सीन अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। और सुबह हो चुकी है तो ये वाला एयरपोर्ट काफ़ी सही है, मतलब आई वुडंट से कि बुरा है। तो यहाँ पे स्लीपिंग कैबिन और शावर्स भी हैं, अगर आप मतलब जैसे रात गुजार रहे हो और आपको सोना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं सोना, तो 8 यूरोज का आपको पड़ेगा कैबिन, और शावर वार आप सब कर सकते हो, तो आप फ्रेशन अप होके जा सकते हो, ठीक है। तो 8 यूरो मतलब के कुछ 700 रुपये का पड़ेगा आपको, विच इज़ आई मीन सही है कॉस्ट में। तो अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे शॉप्स बहुत है खाने के लिए, और ड्यूटी फ्री सामान भी आप ले सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। और जहाँ तक बात है केस सिटी से आप यहाँ पे कैसे पहुँचोगे, तो मैं आपको वो थोड़ी देर में बताती हूँ। हवा ईस्ट करके बस होती है इधर की, जो मतलब मोस्ट पार्ट्स ऑफ सिटी को कनेक्ट करती है ये एयरपोर्ट से, तो मैं उसको इसकी डिटेल्स आपको भी देती हूँ। टाइम हो गया है बोर्डिंग का, तो हम जाएँगे। 02:00 है, सो वी गो देयर।
काफी धूप निकल आई है। मेरा गेट चेंज हो गया है, पहले 202A था, अब 306A है, तो अब उल्टी साइड में जाना है। एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ एंड यार मतलब इतनी नींद आ रही है मुझे, लेकिन इतना सुंदर व्यू था कि आधी नींद तो मेरी वैसे ही खुल गई। मतलब ऊपर से इतना सुंदर लग रहा था ये। आई एम सो एक्साइटेड फॉर स्विट्जरलैंड राइट नाउ। बस मेरा पासपोर्ट कंट्रोल क्लियर हो जाए, मतलब वही इमिग्रेशन वाला प्रोसेस, फिर चिल मारेंगे चिल।
Zurich Airport. This train takes you to gates. Au revoir. Au revoir. ये कूल सा ट्रेन है जो आपको एयर मतलब जहाँ पे आपको फ्लाइट लैंड हुआ है वहाँ से आपको बैगेज क्लेम की तरफ लेके जाने को एन एग्जिट पॉइंट। सो गाइस मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो गई यहाँ पे और हम बाहर जाएंगे।